वेलकम टू चिकेट ऑल इंडियंस। चिकेट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई की कट ऑफ लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों का डेटा आ रहा था। लगभग 11,200 के आसपास बच्चों का डेटा आया है हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग आज हम ये कट ऑफ देने वाले हैं। इतने दिनों से ये डेटा हमारे पास आ रहा था और ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। और एक दो नंबर अगर कम आगे पीछे हो सकता है, वरना ये 100% एक्यूरेट कट ऑफ है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करके ये कट ऑफ दी जा रही है। तो देखिएगा कितनी कट ऑफ जा सके। अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर हम अहमदाबाद जोन की बात करें तो अहमदाबाद में जनरल की 687 से 88, अगर इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं, ये रॉ मार्क्स हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स अगर इतने आपके बन रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी 82 से 84, एससी 77 से 79 के आसपास, एसटी 70 से 71 के आसपास अगर बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं अहमदाबाद जोन। और अजमेर की अगर बात करें, ठीक है, तो ये मैंने सारे जोन की सारी जो ब्रांचें हैं सारी ब्रांचों की बताई है अप्रॉक्स, ठीक है, ये इसी के आसपास सारी ब्रांचों की रहेगी। सिर्फ सिविल की जो है वो एक से दो नंबर इसमें से आप कम कर सकते हैं, ठीक है, और ये ब्रांचें जितनी भी हैं उन सब की कम उतनी ही रहेगी। फिर सिविल ब्रांच की 2 से 3 नंबर आप कम करके चलिएगा। अगर सिविल वाले बच्चों के 2 से 3 नंबर कम है तो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें अजमेर में तो 89 से 90, ओबीसी 85 से 86, एससी 81 से 82, एसटी 72 से 73 के आसपास अगर रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं यहाँ के बच्चे। अलाहाबाद जोन, अलाहाबाद में 88 से 89 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझें जनरल वाले। ओबीसी 82 से 83, एससी 75 से 76 और एसटी 69 से 70 अगर बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि 3 ऐसे जोन हैं जहां से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो वहां पर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहां की कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। उन 3 जोन्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बेंगलुरु को 87 से 88 के आसपास रह सकती है जनरल की। ओबीसी 81 से 82, एससी 74 से 75, एसटी 69 से 70 के आसपास रह सकती है। अगर हम भोपाल जोन की बात करें तो 86 से 87 जनरल, इतने रॉ मार्क्स अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें भोपाल जोन के बच्चे। ओबीसी 81 से 82, एससी 76 से 77, एसटी 71 से 72 के आसपास। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ के जनरल कैटेगरी के बच्चे 86 से 87 के आसपास, ओबीसी 81 से 82 के आसपास बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एससी 75 से 76 के आसपास और एसटी 69 से 70 के आसपास अगर रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिएगा बिल्कुल। आगे बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, बिलासपुर के में तो 87 से 88 बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ओबीसी 81 से 82, एससी 74 से 75, एसटी 69 से 70 के आसपास अगर बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बात करें चंडीगढ़ जोन की तो 89 से 90 के आसपास अगर बन रहे हैं आपके जनरल कैटेगरी के तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। सिविल के लिए मैंने बताया है अगर 1, 2 से 3 नंबर कम है सिविल वाले बच्चों के इसमें तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है, हर कैटेगरी के। ओबीसी 85 से 86, एससी 78 से 79, एसटी 71 से 72 के आसपास रह सकती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम चेन्नई जोन की, तो चेन्नई में 87 से 88 के आसपास रह सकती जनरल। ओबीसी 82 से 83, एससी 77 से 78, एसटी 71 से 72 के आसपास रॉ मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बात करें गोरखपुर जोन की तो जनरल की 90 से 91 के आसपास, ओबीसी 83 से 84 के आसपास, एससी 72 से 73 के आसपास और एसटी 68 से 69 के आसपास बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं गोरखपुर वाले बच्चे। गुवाहाटी में जनरल की 86 से 87 तक रह सकती है, ओबीसी 81 से 82 के आसपास, एससी 77 से 78 के आसपास रह सकती है, एसटी के बच्चे 71 से 72 के आसपास अगर आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं वहाँ के गुवाहाटी के बच्चे। बात करें जम्मू जोन तो जम्मू आपके लिए यहाँ पर सेफ जोन है, ठीक है। अगर यहाँ से जिसने अप्लाई किया है तो उसके होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। जनरल 85 से 86, ओबीसी 80 से 81, एससी 74 से 75, एसटी 69 से 70 तक
रह सकती है। ठीक है, इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं अगर जम्मू से तो बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, जम्मू थोड़ा सा सेफ रहेगा। यहाँ की कट ऑफ अन्य जोनों से 2 से 3 नंबर कम जा रही है। आगे बात करें कोलकाता जोन तो 90 से 91 के आसपास, जनरल कैटेगरी OBC 83 से 84 के आसपास, SC 76 से 77, ST 71 से 72 के आसपास हो रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। मालदा जोन की बात करें तो 87 से 88 के आसपास, जनरल कैटेगरी OBC 81 से 82 के आसपास आ रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें। SC कैटेगरी के 74 से 75 तक आ रहे हैं, अपने आप को सेफ समझें बिल्कुल। और ST 69 से 70 के आसपास आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेफ हैं मालदा जोन में। आगे बात करते हैं मुंबई जोन, तो यहाँ पे 90 से 91 के आसपास रह सकती है, OBC 85 से 86 के आसपास, SC 80 से 81 के आसपास और ST 73 से 74 के आसपास। ये एक जोन थोड़ा सा डेंजर जोन है क्योंकि यहाँ की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है। मुजफ्फरपुर सबसे सेफ जोन है, ठीक है, यहाँ की कट ऑफ हमेशा 3 से 4 नंबर कम ही जाती है हर जोन से। तो 86 से 87 ये मैंने लिखा है, लेकिन ये मान के चलें 2 से 3 नंबर यहाँ पे हर जोन से 3 से 4 नंबर कम ही रहती है। जनरल कैटेगरी 86 से 87, OBC 81 से 82, SC कैटेगरी 75 से 76 और ST 69 से 70 के आसपास रह सकती है। बात करें पटना, तो पटना में 86 से 87 के आसपास, OBC 81 से 82 के आसपास रह सकती पटना, ये भी तीसरा सेफ जोन है ये। ठीक है, अगर यहाँ से जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, यहाँ के बच्चे बहुत सेफ जोन में हैं, 86 से 87 जनरल, OBC 81 से 82, SC 74 से 75, ST 68 से 70 के आसपास रह सकती है। रांची जोन में 87 से 88, OBC 81 से 82 के आसपास, जनरल OBC कैटेगरी, SC 74 से 75, ST 69 से 70 के आसपास रह सकती है। सिकंदराबाद जोन की बात करें तो यहाँ पर डेंजर जोन है ये थोड़ा सा, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है और 90 से 91 के आसपास OBC 84 से 85, SC 79 से 80 के आसपास, ST 74 से 75 के आसपास रह सकती है। सिलीगुड़ी जोन की बात करें तो यहाँ पर 88 से 89 के आसपास रह सकती है, जनरल कैटेगरी की, रॉ मार्क्स हैं ये, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो 2 से 3 4 नंबर जितने भी इंक्रीज हो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन रॉ मार्क्स इतने रहेंगे। OBC 83 से 84, SC 79 से 80 मार्क्स बन रहे हैं। ST की बात करें तो 74 से 75 हैं, तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। त्रिवेंद्रम की बात करें तो 85 से 86 जनरल कैटेगरी, OBC 80 से 81 अगर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। SC 74 से 75, ST 69 से 70 अगर आ रहे हैं तो वो सेफ रह सकते हैं। ठीक है, ये त्रिवेंद्रम वाले बच्चों के लिए। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, ये थी हम सारे जोन की मैंने कट ऑफ दे दिए, ये अगर इससे 1-2 नंबर भले आगे पीछे हो वरना ये 100% एक्यूरेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करके मैंने ये कट ऑफ दी है, तो ये 100% कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाली है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।